अगर ऊपर से कोई आ गया ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाना यहाँ से यार। देखो कैसी खड़ी चढ़ाई है यार। वाह क्या चीज बनी है यार ये। मजा आ गया दिल खुश हो गया यहाँ आके। टिक्की टुकी डाली इन्होंने यहाँ ये अपने भाई जी कंफ्यूज होके बैठे क्या। देखो मुंह में पानी आ रहा है इसका यहाँ देख रहे क्या करे कुछ नहीं कर सकते हमारे फूड ब्लॉगर है तो अच्छा लग रहा है यार गाने में और काफी बड़ा है। टिक्की वेजीज पड़ गई। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शिमला से। मैं ना कल रात शाम के टाइम में शिमला पहुंच गया था तो मैंने घर से आते थे कोई ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि ना बड़ा मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का ना, इतना लंबा सफ़र था और कल धूप भी बहुत गंदी थी। और अभी मैं शिमला में, अभी मैं बीच स्टेज में हूँ अभिषेक के रूम में, यहाँ अभिषेक है। और आज ना मौसम देखो थोड़ा ऐसा बादला सा है ना, तो आज ना हम जा रहे हैं अभी पंथाघाटी बीच स्टेज यहीं सामने पा दिखता है पंथाघाटी ना, ऊपर आके दिखाऊँ मैं आपको। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ एक मोनेस्ट्री है तो हम मोनेस्ट्री जा रहे हैं। अभी हम नहा धो के फ्रेश तो हो गए पर मैं उतना लग नहीं रहा है यार, सही पता नहीं क्या सीन है। तो अभी हम जा रहे हैं रूम से निकलते फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट कहाँ रोड में हल्के ऊपर। तो भाई लोग हम ना रूम से निकल गए थे, यहाँ नीचे है रूम ना, ये पीछे दिखा लेंटर वाला, यहाँ है रूम, यहाँ सीढ़ियों से हमने कम से कम इधर से ना 70 सीढ़ी चढ़ के आ गए। और यहाँ देखो मेरे पीछे ना ऊपर इसे ऊपर और ये दिख नहीं रही इस कैमरे में ना, यहाँ से ऊपर तक सीढ़ियाँ हैं, कम से कम ना 250 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है वो वैसी खड़े चढ़ाई में, हालत ना बहुत गंदे हो गए, चलने की आदत नहीं है ना पड़ी हुई ना, और यहाँ पर थक थक के बोर होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाद ना कहाँ पर है मोनेस्ट्री, यहाँ से दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो आप ना यहाँ पर ये दिख रहा है येलो का है मेरी यहाँ ये, अरे मतलब यहाँ सामने दिख रहा है पार, ये यहाँ जाना है हमारे को इधर पार से घूम के, मतलब रोड इधर से ऐसा सा। पहले एक बार ये चढ़नी ऊपर सीढ़ी यार, देखो सीट दिख रही है ऊपर, यहाँ से और ऊपर है रोड तो काफ़ी पीछे है, हमें 200 सीढ़ियाँ होगी। ऐसा कुछ व्यू है बाहर का, मौसम देखो आज मौसम भी ठीक है हमारे लायक है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके रोड में, तो यहाँ पर हमने अपना हल खड़ा करा है तो अब इसको निकालते। मेरे पास ना बैग है यार एक अपना ना, इसको एक बार कहीं पर शॉप में रखते ना उसके बाद चलेगा हम पंथाघाटी की साइड को। आए बैठो जी चले जी चले। ओह यहाँ इधर अब परे कैसे करना, आया तूने पीछे से कोई, वो शॉप बंद है आज, हमने सामान रखना था ना अब अपने पाई लेना पड़ेगा बैग ऊपर यार। आंटी जी शायद जगह नाइस। वाह क्या बाइक लीन हो रहा है, वाह ऐसे ऐसे लैंप होते हैं ना बीच बीच में। रैम था यार अच्छा सा, और मैं ना टी शर्ट में हूँ यार, और ना अब हवा लग रही है, अब ठंड लग रही है। सुबह तो मैं जैकेट पहन के आया था ना, नहीं कल तो हम जैकेट पहन के आए थे, अभी मैं आज मौसम उतना ठीक है
कल जैकेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना यार, तो मैं आज जैकेट रूम में रख लिया और खुद निकल गए। तो गाइस ये वाला रोड गया नीचे को ना, लिंक रोड एक साथ में, इस वाले रोड में जाते पंथा घाटी मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री की साइड को, मॉनेस्ट्री की साइड को। यहाँ पे हम बाइक्स लगी है पार्किंग में ना, पर ये नहीं लगते इधर, नहीं मानते उन्हें क्या है, तो है लगी यार है एक लगी। देखो गाइस ऐसा कुछ गेट है सामने का, यहाँ यहाँ है यार पार्किंग के लिए जगह, ऐसा नहीं है कि पार्किंग के लिए जगह नहीं है, प्यारा है ना। यहाँ पर कुछ चैरिज लिखा हुआ है ना, तिप्तिन में लिखा है, हाँ तिप्तिन में लिखा है, सॉरी यार सॉरी सॉरी तिप्तिन में लिखा है, और अब एक बड़ा जिसको ना, और ऐसा कुछ एंट्रेंस गेट है यहाँ का ना, मेन गेट। तो इधर कुछ काम वगैरह चल रहा होगा, मेरे को नहीं पता ज़्यादा ना, और ऐसा कुछ यानी यहाँ भी पार्किंग है जो है यार, हम क्यों यहाँ पर ही लगे जो है बाइक, यहाँ पर भी बाइक लगे हुए यार। वाह क्या चीज़ बनी है यार ये, मजा आ गया, दिल खुश हो गया यहाँ आके, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। ये भी है कुछ बड़ी अच्छी चीज है ये जो भी है ना, वाह वाह यार काफी बड़ा है यार ये इधर ना, जो स्ट्रक्चर बने हैं उनके ऊपर फोटो भी लगी हुई दिख रही है। ये घंटी है ये बजाते होने, इसको पता नहीं कई चले बजाते होने, इसका तो नया आइडिया। और ऐसा कुछ इनसे कुछ खास नहीं है, तो भाई लोग अभी हम मॉनेस्ट्री में बैठे हुए, अभी हम फोटोज ले रहे थे थोड़े बहुत, जो आपको इंस्टाग्राम में दिख जाएंगे, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, तो कर लेना प्लीज़ फॉलो। और यार विषय के साथ इसको भी कर लेना है यार। यहाँ आज ना उतना कुछ खास नहीं, मेरे को लगा कुछ ऐसा होता ना, जैसे मेरे एक छोटा भाई वो है ना, उसने एक रील बनाई थी यहाँ की ना, वो बड़ी प्यारी लगी मेरे को, उसमें ना जो ये है ना, जो यहाँ के ये होते हैं क्या होते हैं, जो मतलब यहाँ पर रहते नहीं भाई लोग ना, तो ये ना कुछ डांस जैसा करते हैं कुछ ना, उसने अपनी रील में दिखाया था, मेरे को लगा आज भी होगा वैसा कुछ, पर आज वैसा कुछ हुआ नहीं। और हम ऐसे यहाँ पर बैठे हुए अब जाते हैं ऊपर वापसी, पहुँच गए वापसी अपने हल्के पास, और ऐसा कुछ व्यू है, लास्ट में जाते जाते देख लो। चले वापसी, अब चले हम वापसी, ऊपर बर्गर खाते हैं, जैसे हम रोडू में था ना हमारा एक बर्गर वाला ना, बड़ा फेमस वो बंदा, सेम ये पूरा कि पंथा घाटी में भी एक बर्गर वाला है, उसका टेस्ट भी एक बार चेक करते हैं, अगर उसकी शॉप खुली होगी तो ज़रूर चेक करेंगे बर्गर कैसे बनाता है। ये बड़ा बारी बोलते रहता है मेरे को ना कि पंथा घाटी के बर्गर खाइयो क्या प्यारे बनाते हैं, मैं उसको बोलता था ना रोड में बड़ा प्यारा बनाते हैं वो गुड्डू बर्गर, ये मेरे को हमेशा बोलता रहता था कि नहीं पंथा घाटी के चेक करियो। चले बैग डाल दिया, तो वापसी चल पड़े हम यहाँ से, अंकल आ गया अरुण, नहीं आ रहा अंकल आ गए, अंकल में दम नहीं है, तो हम क्यों जगह छोड़े, हम तो निकल जाए टाइम से, और मौसम भी ख़राब हो रहा है ना, ऐसे नहीं कभी मौसम ने बरसात कर दी स्टार्ट तो हम फंस जाएंगे, मैं फंस जाऊँगा, सीन हो है ना, कपड़े भी गीले हो जाने, बीमार हो जाना अलग से,
तो मैं जब तक मैं बीमार हो इसे है कहाँ पर इधर किधर है इधर है कहीं वो शॉप यार। लोग अभी हम पहुंचे पंथाघाटी जहाँ अभिषेक ने बोला था ना बर्गर वाला है ये उनका स्टॉल ये भैया है वो। अब चेक करते हैं यहाँ का बर्गर कैसे बनाए। ये बस बातें मारता है बड़ी बड़ी ना कि ऐसे ऐसे बर्गर है वैसे बर्गर है। यहाँ रख लूँ यार सेलमेंट को है ना देखते कैसे बनाते हैं ना हम आपको दिखाते साथ में देखते तब गुड्डू भाई कैसे बनाते हैं इनके बर्गर में क्या टेस्ट है। तो प्याज ही सिल रहे हैं इधर टिक्की टुक्की डाली इन्होंने यहाँ ये अपने भाई जी कंफ्यूज होके बैठे क्या देखो मुँह में पानी आ रहा है इसका यहाँ देख रहे क्या करें कुछ नहीं कर सकते। प्याज पड़ गया सॉस लग गया टिक्की वेजीज पड़ गई नहीं ये मेयोनीज पड़ गई वाह देखो भाई खुश स्माइल के साथ स्माइल कर दो ये हमारा आ गया थैंक यू। अब चेक करते कैसे बना होता है कैसे बना होता है हमारे फूड ब्लॉगर अखिल लग रहा है यार काफी बड़ा है। हेलो गाइस, ये खाते हैं बर्गर। हाँ बोल भाई, कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छी है। अच्छी है। और क्या है? उसकी थोड़ा ऐसा था ना टाइट टाइट होता खाने में, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। थोड़ी भाई को सॉल्ट डालो मीठी। मजा दो इसको थोड़ा। अभी हम बर्गर खा रहे थे तो यहाँ पे भाई आया एक कहता कि 50 बर्गर पैक कर दो। भाई भाई ने 50 बर्गर पैक करवाए भाई से और हमने ना भाई से अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिया है। भाई अपना आएगा वो हमारे व्लॉग में। भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करो यारो। यार अभी पता क्या सीन हो गया ना बाहर लग रही है हल्की हल्की सी बारिश ना बूंदाबांदी तो हो गई स्टार्ट। अब मेरे को नहीं पता नहीं बारिश किस लेवल तक आगे जाएगी तो हमने वापसी जा रहे हैं वापसी रूम को क्योंकि मैं क्योंकि ऐसे है ना जो ये गोप्रो है ना इसमें वाटरप्रूफ तो होता है गोप्रो ना पर जो इसमें बाहर का लगा है ना मतलब इसमें माइक होता लगा जो बाहर का है ना सेट होता लगा ये नहीं होता वाटरप्रूफ। अगर वो गोप्रो का गोप्रो होता ना पूरा सेट मेरे पास ना वो तो पूरा होता है वाटरप्रूफ इसी मेरे को डर है ऐसे नहीं कभी पानी पूरी चला गया ना तो लेने के देने पड़ सकते। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और जल्दी जल्दी मैं एक बार रूम पहुँचूँ रूम। यार सीन पता क्या हो गया ना जिधर से भी मैं गया था ना उधर ना पार्किंग मेरे को ना मिली नहीं रही वहाँ ना एक तो बहुत टाइट सा रोड है ना तो मैक्सिमम सब ने आज संडे भी है ना तो मैक्सिमम जो लोग अपने घर में होने सब ने वहाँ पर गाड़ियाँ लगाई गाड़ियाँ क्या बाइक्स लगाए गाड़ी लगाई। अभी मैं टनल टनल में अब जा रहा हूँ मैं बाईपास होते ना आगे से पठकुपट होते वाले रोड में वहाँ से है एक रोड वो ना डायरेक्ट रूम तक पहुँचता है वो रोड ना रूम तक तो नहीं कह सकते पर ऐसा है कि वहाँ ना वहाँ से रूम कितना 5-1 मिनट का रास्ता है बस रूम के लिए बस वही सीन है। तो बस अभी टनल हो गए क्रॉस अब हम चले आगे को। ये है बाबा वो आज इसमें ना खड़े होकर चला यार ऐसे मज़ा ही नहीं है वहाँ। हाँ
बड़ा गंदा सा रोड है इधर से यार। अभी जिस रोड से मैं जा रहा हूँ ना अभी यार, ये वाला रोड है वो ना, पर यहाँ ट्रक आ गया थोड़ा यार ना, क्यों इसका मोशन मानना। इस वाले रोड से जा रहा हूँ मैं, ये जाता है अपर सिमेट्री पहुँचता है ये वाला रोड ना। और जो ये रोड है ना, इतना डेंजरस रोड है यार ये ना, क्या बताऊँ मैं आपको। अभी देखना आपने कैसा रोड है ये ना। लास्ट टाइम आया था मैं तो यहाँ से ना कार लेके गया था ऊपर इधर से, यहाँ देखो ऐसा कुछ रोड है यार ये, दिख रहा है। बस ये एक गाड़ी के लायक ही है ये रोड, एक गाड़ी भी अगर ऊपर से कोई आ गया ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाना यहाँ से यार। देखो कैसी खड़ी चढ़ाई है यार बेटा, राम हट जाओ। हेलो फ्रेंड्स, तो पहुंच चुका हूँ मैं रूम, तो मैं फ्रेश फ्रुश हो चुका हूँ और अब इसके बाद मैं वीडियो एडिट करता हूँ ना एक बार, क्योंकि 3-4 दिन हो गए मैंने ब्लॉग डाले हैं यार, जब से शिमला आया ना। आज का ब्लॉग शायद, ये वाला ब्लॉग शायद आज शाम तक पड़ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तब कल पड़ जाएगा मॉर्निंग या आफ्टरनून तक। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।